एक गांव में रमेश और सुरेश दो भाई रहते थे। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे पर काम में बिल्कुल उल्टे। रमेश काफी मेहनती और ईमानदार था जबकि सुरेश काफी निकम्मा था। उसे मेहनत करना भी पसंद नहीं था। वो दोनों काफी गरीब थे। उनका काम चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो किसी के खेत में अगर दिहाड़ी करते तो रमेश तो सारे दिन काम करता और वहीं सुरेश सारे दिन बैठा रहता। आखिरी में जब उन्हें दिहाड़ी मिलती तो दोनों में से एक की ही दिहाड़ी मिलती और उससे उन दोनों को ही गुजारा करना पड़ता था क्योंकि रमेश अपनी आधी दिहाड़ी अपने भाई को दे दिया करता था। एक दिन की बात है, रोजाना की तरह रमेश खेत में काम कर रहा था और सुरेश वहीं बैठा आराम कर रहा था। दोपहर हुई, उनका खाने का समय हुआ तो रमेश जैसे ही खाने लगा तो वहां पर एक बाबा आ गई। उसने कहा, बच्चा कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे दे दो। रमेश सारे दिन काम किए हुआ था पर फिर भी बाबा की भूख उससे देखी नहीं गई। उसने अपनी रोटियां उस बाबा को ही दे दी। बाबा ने रोटियां खा ली जबकि सुरेश ने अपनी रोटियां बाबा को नहीं दी थी। बाबा रमेश से काफी खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम इतना काम करते हो उसके बावजूद भी तुमने अपनी रोटियां मुझे दे दी। मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार इंसान की तलाश थी। ये लो बेटा। बाबा ने एक पोटली रमेश के हाथ में थमा दी। पर बाबा ये क्या है, मैं आपका कोई सामान नहीं लूंगा। मैंने कुछ लेने के लिए आपको खाना नहीं दिया बाबा। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने मुझे कुछ लेने के लिए नहीं दिया। तुमने जो भी कुछ किया है वो निस्वार्थ भावना से किया है, पर बेटा मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये दे रहा हूँ। रमेश ने पोटली को खोल कर देखा तो उसमें काफी हीरे थे। पर बाबा ये हीरे हैं, इन हीरों का मैं क्या करूँगा। बेटा मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे लिए तो ये सब पत्थर के बराबर हैं, क्या पता तुम्हारे किसी काम आ जाएं। इतने में सुरेश भी रमेश के पास में आ गया था और बाबा वहां से जा चुके थे। अब रमेश की वही आदत कि सभी चीजों को आधा आधा करना। उसने पोटली के आधे हीरे अपने भाई सुरेश को दे दिए और आधे खुद ले लिए। अब दोनों भाई काफी अमीर हो गए थे। रमेश ने उन हीरों से कुछ खेत खरीद लिए और खेतों में खुद काम किया, साथ में मजदूरों से काम करवाया और काफी बड़ा जमींदार बन गया। वो हर महीने नए खेत खरीद लेता था और एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया था। पर सुरेश की वो निठल्ले रहने की आदत, उसने रोज एक हीरा बेचकर नई नई चीजें खाना, ऐशो आराम करना, शराब पीना, गाड़ी बाइकों पर घूमना, इस तरीके की आदतें पाल ली थी और उसने अपने सारे हीरे अपनी अय्याशी में बर्बाद कर दिए थे। अब रमेश एक बड़ा आदमी बन गया था क्योंकि वो ईमानदार और होनहार था, जबकि सुरेश दोबारा से उससे भी बुरी हालत में आ गया था। अब तो सुरेश नशे की आदत भी पड़ गया था। एक दिन सुरेश रमेश के पास में आया। हे रमेश, तू इतना अमीर आदमी है, तू मुझे कुछ दे नहीं सकता क्या? देखो भाई सुरेश, मेरी ये सारी मेहनत की कमाई है और मैंने आज तक आपको हर चीज में आधा हिस्सा दिया है, और तो और मैंने उन हीरों में भी आधा हिस्सा दिया है जो बाबा दे के गए थे, और उन्हीं से मैंने ये सब कुछ कमाया है। अगर तुम ऐसे नहीं उड़ाते तो तुम भी कमा देते। तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ सुरेश, मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद में ये सारी जमीन प्रॉपर्टी मेरी ही तो होगी। ऐसा कहते हुए सुरेश ने रमेश पर हमला करना चाहा। तभी एक तेज रोशनी के साथ में नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। नाग देवता? हाँ वत्स, मैं उस दिन उस साधु के रूप में भी मैं ही आया था। तुम बिना मेहनत के अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम्हें और रमेश को हमेशा बराबर मिला है, फिर भी तुम इतने निकम्मे हो सिर्फ अपनी गंदी आदतों की वजह से। तुम अब भी सुधर जाओ। सुरेश को अब अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। सुरेश ने भी
उस दिन के बाद में रमेश के साथ मेहनत करनी शुरू कर दी। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आप ईमानदार बने रहें और मेहनत करते रहें।